गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आर यू वल टुडे वी वेल गोइंग टू लर्न अबाउट हाउसेज यू नो वट इज़ अ हाउस वे आर यू सिटिंग राइट नाउ यू आर सिटिंग इन योर हाउस आप लोग अपने घर में बैठे हैं ना आराम से सो अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी फील कम्फर्टेबल मतलब हमें वहाँ पर रह कर आराम मिलता है ओके okay? We live in a house with our family. हम हमारे family के साथ हमारे house में रहते हैं अब house important क्यों होता है House में रहना important क्यों होता है आप खुद सोचो आपको जब sunlight लगती है दोपहर तो में बहुत तेज़ गर्मी होती है तो आप कहाँ जाते हो घर में बहुत ठंड है बहुत तेज़ बारिश आ रही है या आंधी आ रही है या तूफान आ रहा है बहुत मिट्टी है तो हम कहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को हाउस में सो अ हाउस प्रोटेक्टर्स फ्रॉम सनलाइट रेन डस्ट कोल्ड एनिमल्स थीव्स रॉबर्स ओके जो हाँ सारे उन चीज़ों से हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं ओके जो द एवरी थिंग डैट कैन हार्म आर हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम दैम अब पता है कितने टाइप के हाउसेस होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस कच्चा हाउस सी कैन यू सी दिस इज अ कच्चा हाउस अब देखो ये कच्चा हाउस किससे बना हुआ है दिस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ सूखी हुई घास से बना हुआ है वुड है ना सो so, कच्चा हाउस किससे बना होता है वुड मध एंड स्ट्रॉ है ना कैन यू सी दिस इज अच्चा हाउस दिस हाउस इज मेड ऑफ मध मिट्टी से बना हुआ है वुड से, से बना हुआ है स्ट्रॉ से बना हुआ है दिस हाउस इज अ कच्चा हाउस सी This is also a kacha house. This is also a kacha house. See, can you see? Can you see the mud, straw? So, these houses are made of mud, straw, and wood, and they are kacha houses. They are not strong. Okay. Now, see. This is a pakka house. This house is made of iron, wood, cement, bricks. This is a pakka house. See, this is also a pakka house. Pakka houses are very strong houses. Okay. They can protect us from anything. So, what have we learned today? We have learned that their houses protect us from. See, a house protects us from heat, cold, rain, from stray animals that are not our friends, from thieves, from people. Who all can harm us? Okay. So, read the chapter and bye bye. Enjoy your day.